हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल एडुविला पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, आज की विषय हिंदी व्याकरण की है और इसमें हम लोग उपसर्ग सीखने वाले हैं। उपसर्ग ये एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का मतलब कि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार का मतलब होता है कि ये परिवर्तित नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है और उसी रूप में ये दूसरे शब्दों से जुड़कर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश है। शब्दांश का मतलब शब्द के अंश हैं, ये पूरे शब्द नहीं है, जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब कि उपसर्ग शब्द के अंश हैं, शब्द का एक छोटा भाग है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, मतलब कि अबार में नहीं, शब्द से पहले जुड़ता है और जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे बहु उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए। बहुमूल्य, बहु से बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, बहुज्ञ और बहुसंख्यक। तो इस तरह से एक बहु उपसर्ग से कितने सारे शब्द बने और सबके अलग अलग अर्थ है, जैसे बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, बहुज्ञ और बहुसंख्यक। अब उपसर्गों का, अब देखते हैं कि उपसर्गों का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मतलब कि अलग से सिर्फ बहु शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगर उपसर्ग सु है तो अलग से सिर्फ सु शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगर उपसर्ग उप है तो उप शब्द का, शब्दांश का प्रयोग अकेले नहीं होगा। जब भी होगा तो किसी शब्द के साथ लगकर ही इनका प्रयोग होना है। तो उपसर्गों का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अतः उनका कोई अलग अर्थ भी नहीं होता, पर शब्द निर्माण करने में अपना विशेष अर्थ दे सकते हैं। मतलब कि ये शब्द के साथ लगकर ये कुछ विशेष अर्थ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और स्वतंत्र रूप से इनका कहीं कोई प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ है कि सितारों में लिखे उपसर्गों से एक एक नए शब्द बनाकर बादलों में लिखे गए हैं, और आप भी ऐसे ही उन्हीं उपसर्गों से नए शब्द बनाकर सितारों से जुड़े बादलों में लिखिए। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सु है और यह सितारा में सु उपसर्ग है और यहाँ बादल में है विचार, मतलब सु उपसर्ग विचार में जुड़ा, सुविचार हो गया। तो उसी तरह के आपको शब्द लिखने हैं इन सभी बादलों में। तो यहाँ सुव्यवस्था हो सकती है, सुव्यवस्था एक हो गया, सुलभ दूसरा शब्द हो गया और सुकन्या। सुकन्या आप लोग जानते हैं, यह सरकार की एक योजना है जिसमें कि कन्याओं की शादी के लिए कुछ पैसे रखे जाते हैं। तो इस तरह से सुविचार हो गया, सुव्यवस्था हो गया, सुलभ हो गया और सुकन्या हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है परी, परी यहाँ देखिए, यह परी उपसर्ग है और यहाँ परिजन बना, तो हम यहाँ शब्द लिख सकते हैं परिवार और यहां परिवाद, यहां परिष्कार। इस तरह से इस परि उपसर्ग से हमने कितने शब्द बनाए। उसके बाद नेक्स्ट है अप, यहां है अप उपसर्ग और इससे एक शब्द बनाकर दिया गया है अपयश। दूसरा शब्द हम यहां बना सकते हैं अपमान, अपमान, अपकार। यहां आप अपहरण भी लिख सकते हो, अपहरण शब्द वैसा लिखो जो समझ में आ जाए, और उसके बाद अपशब्द भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह उपसर्ग इसमें मिलकर और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन मिला रहा है। और उसके बाद दूसरा है यहां उप, तो उप से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे उपकार, उपमान, उपलब्ध और बहुत सारे लिखे जाते हैं उप लगाकर, जैसे उप
मुखिया आप लिख सकते हो, उप प्रधान लिख सकते हो, उप मुख्यमंत्री लिख सकते हो। तो इस तरह से उप का प्रयोग किया जाता है और उप से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। तो बच्चों आज की इस हिंदी व्याकरण के वर्कशीट में हम लोगों ने उपसर्ग सीखा और उपसर्ग में ये जाना कि शब्द से पहले लगकर शब्दांश हैं जो शब्दों के अर्थ में एक खास परिवर्तन करते हैं। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।